Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students and friends and viewers. तो आपको मेरे इस YouTube चैनल MB Mathematics पर वेलकम है. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जिस तरह हमने डेंस सेट वाला जो टॉपिक है उसको शुरू किया हुआ है और उसमें हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया और एग्जाम्पल्स को, और हमने कहा अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का स्पेस है तो फिर क्या होगा, और अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी का स्पेस है तो फिर उसके लिए क्या अक्षर आयत है इन डेंस सेट में. तो उस वीडियो को स्टूडेंट्स लाजमी देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें. तो इसमें हम जो है ना एक थ्योरम करेंगे, वो क्या थ्योरम कहता है कि सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज डेंस इन एक्स, के जो टोपोलॉजिकल स्पेस का जो है ना वो सबसेट, कोई भी सबसेट ए है वो डेंस होगा इन स्पेस इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्ट विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या इसको हम मैथमेटिकल तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसका प्रूफ करते हैं. तो इसको हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि क्या हमारे पास स्टेटमेंट है कि सबसेट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस, सबसेट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी अगर हमारे पास ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसका कोई सबसेट है, ठीक है, और ये सबसेट इज सेट टू बी डेंस, ये क्या होगा कि ये डेंस होगा इन एक्स, इसका मतलब ये है इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्ट करे विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट. ठीक है, इसका मतलब है कि इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है, उसका जो इंटरसेक्शन आता है वो नॉट इक्वल टू 5 आता है. ठीक है, ए इंटरसेक्ट विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट. ठीक है, ये यूज कहां से आ रहा है, ये टोपोलॉजी का मेंबर है ओपन सेट. ठीक है, तो और इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास ये कोई ए है और ये कोई यू है तो ये क्या है, ये नॉन एम्प्टी आई का रीजन और ये डिसजॉइंट नहीं होने चाहिए. ठीक है, कुछ ना कुछ स्टूडेंट से कॉमन आएगा जरूर. ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और इसका हम मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स. तो वो क्या होगा, वो उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स. इसको हमने दोनों जो है दोनों तरफ से प्रूफ करना है, क्या ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में है. ठीक है, तो क्या सबसेट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस इज डेंस इन एक्स इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्ट विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट यू. ठीक है, इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है कि वो जो है ना वो आपस में डिसजॉइंट नहीं है, वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. तो इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये मान के चलते हैं और इसको प्रूफ करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सारा कुछ लिख देना कि एक्स का मटेरियल टू टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड सपोज इसको लेट कर लेते हैं एंड लेट क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, देन वी हैव टू शो दैट ए इंटरसेक्ट विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट यू. ठीक है, तो अब हमें शो करना है कि जो हमारा ओपन सेट सबसेट है वो एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्ट करता है. तो इसको हम कंट्रेरी तरीके से फॉर दिस सपोज ऑन कंट्रेरी ए जो है वो ए इंटरसेक्ट विद ए डू नॉट इंटरसेक्ट विद ओपन सेट यू. डू नॉट इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है के इसको हम कॉन्ट्रेरी लेकर चलेंगे और कंट्राडिक्शन शो करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास यू कोई नॉन एम्प्टी ओपन सेट है. ठीक है, और हम जो है ना वो सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट ए का इंटरसेक्शन है यू के साथ, ये हमारे पास आ जाए 5. ठीक है, हम कहते हैं कि ये आपस में एक ऐसा ओपन सेट हमें मिल गया कि जो इसके साथ एक के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता और ये जो ओपन सेट है ये नॉन एम्प्टी है. ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है, जो हम कंट्रेडिक्शन लेकर चल रहे हैं इसको हम नॉन एम्प्टी मानकर चल रहे हैं. तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन यू ये नॉन एम्प्टी यानी वो आपस में डिसजॉइंट है. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स कोई ए है और ये हमारे पास कोई यू है. ठीक है, ये कोई यू है और ये हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है. तो अब ये दोनों डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन आ गया 0 खाली सेट आ गया. ठीक है, वो आपस में डिसजॉइंट है. तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हम मैथमेटिकल तरीके से लेकर चलने लगे, अब हम इसके वजह से हम कहेंगे कि ए सबसेट है यू के कम्प्लीमेंट का, ये यू है तो यू का कम्प्लीमेंट वाला क्या सारा रीजन आ जाएगा, ये सारा रीजन यार यू का कम्प्लीमेंट है, ये सारा रीजन यू का कम्प्लीमेंट है. तो यू के कम्प्लीमेंट में ये जो है ए सबसेट है, तो इसको हमने लिख दिया इधर के ए सबसेट है यू के कम्प्लीमेंट का. ठीक है, ये वाला जो रीजन बना वो सारे का सबसेट है ए. ठीक है, तो ये आ गया, अब हमें अंडरस्टैंड हो गया. अब हम पहले परेशान होते कि इधर हम यू लिखा है और इधर सबसेट भी इसका कर दिया, तो ये था उसके पीछे ये सारा बेसिक ये वाली चीज है. ठीक है, तो इधर से हम कहेंगे स्टूडेंट से यू हमारे पास एक ओपन सेट था और वो नॉन एम्प्टी था, उसका जब हमने कम्प्लीमेंट लिया तो ये हमारे पास आ गया क्लोज. ठीक है, ये क्या आ गया स्टूडेंट से यू का कम्प्लीमेंट आ गया क्लोज, बट वी नो दैट
के द क्लोजर ऑफ अ सेट इज द स्मॉलेस्ट क्लोजर सेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए जो है वो एक का क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोजर सुपर सेट होता है और ये आगे होगा इसके। दिस इंप्लाइज दैट ए क्लोजर जो है वो सबसेट हो गया यू के कंप्लीमेंट का। तो अब हम स्टूडेंट से ये जो मानकर चले हैं कि ए ये जो है वे डेल से है इन एक्स में। ठीक है, तो अब हम इधर इसका यूज करते हैं, जो हम मानकर चलते हैं जो डेल करके चलते हैं उसका अब हम आगे यूज भी करते हैं प्रूफ में, दूसरी साइड के प्रूफ में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम स्टूडेंट से कहते हैं कि सिंस ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स वो सबसेट हो गया यू के कंप्लीमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉरी, और ये जो एक्स है वो पूरा टू पूरा जगह स्पेस है, लेकिन जो यू का कंप्लीमेंट वो इस यू वाले रीजन को छोड़ के वो सारा यू का कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो ये क्या जो यू का कंप्लीमेंट वो क्या इस पूरे सुपरजगह स्पेस एक्स का क्या वो सुपरसेट है? तो नो, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स इज इक्वल टू होगा यू के कंप्लीमेंट के। ठीक है, और इधर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आगे एक स्टेप करते हैं कि एक्स का दोनों तरफ हम कंप्लीमेंट लेते हैं, यू का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5 विच इज इक्वल टू यू का कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू आता है स्टूडेंट्स यू। और दिस इज कंट्राडिक्शन बिकॉज वी हैव टू सपोज दैट द अपर सेट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो ये आ गई कंट्राडिक्शन, सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स ये जो है ना ये जो हम देखा चल रहे थे हमारे पास जो मान के चल रहे थे। ठीक है, और ये वाला जो कंडीशन है ये दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस अपर सेट यू इज इक्वल टू एम्प्टी, तो ये आएगा इसके इक्वल है। और अगर हमारा जो है ये इसके कंट्राडिक्शन आ गई, हम कोई एक ओपन सेट जो उसको नॉन एम्प्टी मान के चल रहे थे लेकिन वो और एम्प्टी सेट निकल आया। ठीक है, और हम जो ओपन सेट है वो और भी रेडी था, सो वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन विद ए इंटरसेक्ट विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, इसका मतलब ये आ गया स्टूडेंट। तो इसका हम जो है एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं जल्दी से। तो उससे पहले हम इसका जो कन्वर्स वाला पार्ट है उसको कर लेते हैं, उसमें भी हम कंट्राडिक्शन लेकर चलेंगे, उसमें हम ये वाला पार्ट मानकर चलेंगे कि ए इंटरसेक्ट करता है विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, और इसको प्रूफ करेंगे कि ए का क्लोजर जो वो डेंस है इन एक्स में। ठीक है स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको हम करते हैं, तो इसमें हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये मानकर चलते हैं ए इंटरसेक्ट करता है एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, देन वी हैव टू शो दैट द सबसेट ए इज डेंस इन एक्स, सो फॉर दिस सपोज वन कंट्रारी दैट ए इज नॉट डेंस इन एक्स, इट मींस दैट ए क्लोजर इज नॉट इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एन आर नंबर व्हिच बिलोंग टू दिस एक्स बट नॉट बिलोंग टू दिस क्लोजर वाले सेट में, तो देन देयर एग्जिस्ट a number x which belong to this space, ठीक है, but जो है ना but this x not belong to closure of a, ठीक है students, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें है लेकिन इसमें मौजूद नहीं, ये हम लेकर चल रहे हैं मानकर जो x है वो a के closure, यानी a ये वाला जो है ना a closure, ये आ गया ए का क्लोजर, ए का क्लोजर इसको एक्स जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, हम देख सकते हैं कि एक्स हमारा जो है वो इससे बाहर है। ठीक है, इस स्पेस से, इस वाले सबसेट से, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए के क्लोजर के कंप्लीमेंट को, तो जब हम इसे कंप्लीमेंट लेंगे तो ये सारा रीजन आ जाएगा उसमें एक्स बिलोंग करेगा। ठीक है, जिस तरह हमने ओपन सेट में मान के चले उसमें हमने कहा कि जो है वो हमारा ओपन सेट वो उसका जो है इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू आता है हमारे पास 5, तो उसका मतलब कि वो आपस में डिसजॉइंट है, उसके लिए हमने ये वाला ए और यू को लिया था, लेकिन अब हमने एक चूंकि ये हमारा जो है क्लोजर ऑफ ए नॉट इक्वल इसके इसको हमने प्रूव करना है, तो इसका मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट काम से काम एक ऐसा ऊपर सेट या एक ऐसा एलिमेंट या मेंबर होगा इस ग्राउंड सेट का जो इसमें मौजूद नहीं होगा, इसलिए तो ये आपस में इक्वल नहीं है। उसके लिए हमने कोई एक आर्बिट्री एक्स कोई नंबर ले लिया, उसको हम और उसका मेंबर ले लिया और उसको हमने कहा कि वो इसमें है लेकिन इसमें मौजूद नहीं, इस
इसको जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हुए हमें ये चीज लिख ली। इसका मतलब कि जो एक्स और डबल्स के कंप्लीमेंट में होगा और चौके स्टूडेंट से जो ए क्लोजर होता है ये हमारे पास एक क्लोज आता है, ठीक है, क्लोज सबसेट होता है। तो इसका जब हम कंप्लीमेंट लिया तो ये हमारे पास आ गया कि ओपन सेट, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ओपन सेट है, नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स के, और हम जहां से ये मान के चले कि ए इंटरसेक्ट करता है अभी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, तो ए क्लोजर जो होगा उसका हम इंटरसेक्ट करेंगे ए क्लोजर के कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू आई, यानी ये हमारा ए है और ये हमारा ए क्लोजर का कंप्लीमेंट, यो सॉरी ये हमारा ए क्लोजर है और सारा रिजल्ट ये ए क्लोजर है स्टूडेंट्स, ये ए क्लोजर है मान ले, ये भी ए क्लोजर है और इससे जो बाहर वाला सारा रीजन है ये सारा ए का कंप्लीमेंट है, ठीक है, ए का कंप्लीमेंट वाला सारा रीजन ये वाला है। तो इसका मतलब क्या, ये जो सारा रीजन है ये आपस में डिसजॉइंट है, उनमें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो इसको हमने लिख दिया ये वाली चीज, ठीक है। तो इधर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने ये जो मान के चल रहे हैं कि ए इंटरसेक्ट करता है एवरी नॉन एवरी ओपन सेट, ठीक है, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा। और ये जो कि स्टूडेंट्स हमने कहा कि जो है वो ए क्लोजर का कंप्लीमेंट और ए क्लोजर की जगह हम अगर इसको लिखे ए इंटरसेक्ट और इंटरसेक्शन यू का कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू आई एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसको हम क्यों लिख रहे हैं कि ए इंटरसेक्ट करता है एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट और एक्स जो है वो इसमें है इसके कंप्लीमेंट में और ये भी उसमें आपस में डिसजॉइंट है विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज वी हैव टू सपोज दैट ए इंटरसेक्ट विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, ठीक है। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसके लिए हम चूंकि हम जानते हैं कि ए जो होता है वो सबसेट होता है ए क्लोजर का, ये बेसिक रीजन है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास जो है वो बड़ा सेट जो वो इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो उससे जो छोटा होगा यानी इसके अंदर जो ये जो ए होगा ये जो ए है इसके अंदर वाला जो ये भी इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसके ए के कंप्लीमेंट ए क्लोजर के कंप्लीमेंट से। तो ये जो है ये कंट्राडिक्शन है बिकॉज हमें मानना है कि जो है ना ए इंटरसेक्ट करता है एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, ठीक है, तो वो जो है वो जब वो इंटरसेक्ट करता है लेकिन इधर आ गया हमारे पास कंट्राडिक्शन, तो विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज ए इंटरसेक्ट विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, सो हेंस ए डेंस इन एक्स। इस तरह स्टूडेंट्स हम इसका प्रूफ करते हैं और अब हम इसको एक जो है वो एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं स्टूडेंट्स, ए जल्दी से साथ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका हम कैसे एक एग्जाम्पल के समझेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक हम ग्राउंड सेट लेंगे उस पर पॉजिटिव डिफाइन कराएंगे, ठीक है, हम एक जल्दी से ग्राउंड सेट लेते हैं ए बी, इस पर पॉजिटिव डिफाइन कराते हैं हम स्टूडेंट्स फाई एक्स एंड ए, ठीक है, और हम कहते हैं ए जो है वो डेंस इन एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ए को लेते हैं ये वाला भी सेट ए, ठीक है, और इसका हम क्लोजर फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स, हम जानते हैं, तो इसका मतलब कि अब ये जो ए होगा वो इंटरसेक्ट करेगा तो एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, तो अब इधर से देख भी सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन करे फाई के साथ तो नॉन एम्प्टी सॉरी ओपन सेट लेना है, तो एक्स आएगा तो इसका हमारे पास आ जाएगा ए ए विच इज नॉट इक्वल टू खाली सेट, तो ए इंटरसेक्ट करेंगे ए के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू आएगा ए, ठीक है। तो इसके अलावा हम इससे बड़ी वाले एग्जाम्पल को भी देखकर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को थ्योरम के फॉर्म में लिख दिया गया है, तो थ्योरम के फॉर्म में हमें कैसे प्रूव किया उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये मान कर चले कि हमारे पास जो सेट एक्स है वो डेंस इन एक्स में, ठीक है, यानी ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स आता है, इसका हम आगे जाके इसका हमने इस्तेमाल किया, तो उसके लिए हमने कहा कि कंट्रेरी तरीके से हमने सपोज किया कि ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करता है जिसके जो एक साथ इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी वो आपस में डिसजॉइंट है, यानी उनका इंटरसेक्शन वो खाली सेट आता है, तो फिर हमने कहा कि इसका मतलब कि वो ए जो वो सबसेट है यू के कंप्लीमेंट का, ठीक है, और यू हमने कहा था कि ये कोई नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, उसको जब हम कंप्लीमेंट लिया तो हमारे पास क्लोज सेट आ गया, फिर हमने कहा कि ए क्लोजर जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज ओपन सेट होता है फिक्स सेल्फ, तो एक जब ए का जो क्लोजर होगा वो सबसेट होगा यू के कंप्लीमेंट का, और फिर हमने कहा कि ये जो हम मान कर चल रहे हैं कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स है यानी वो डेंस इन एक्स है, और फिर हमने कहा कि एक्स सबसेट है यू कंप्लीमेंट का, और ये हमने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है,
और दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो का कंप्लीमेंट। और उधर से हमने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उससे हमने दोनों तरफ कंप्लीमेंट लिया, और जब हमने यू के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लिया तो हमारे पास एक यू आ गया, हम जानते हैं कि वो सेल्फ यू आ जाता है। और जब हम एक्स का कंप्लीमेंट लिया तो हमारे पास आ गया फाइव, ठीक है। और ये कंट्राडिक्शन आई क्योंकि हमने यू को सपोज किया था कि ये कोई नॉन एम्प्टी ओपन सेट है और वो आगे से जाकर निकल आया खाली सेट, और तो इसके बाद इसलिए हमने कहा कि दिस इज कंट्राडिक्शन। सो and this is this number x is not belong to the set A, ठीक है। उसको उसकी जो डेफिनेशन उसको इस्तेमाल करते हुए कि a closure of a not equal to x, उसका हमने इसका मतलब कि उसमें जो x है उस एक ऐसा x जरूर एग्जिस्ट करेगा जो इस x में होगा लेकिन वो a के क्लोजर में नहीं होगा। तो फिर हमने कहा कि a का क्लोजर का अगर तो इसका मतलब कि a जो x है वो a क्लोजर के कंप्लीमेंट में है, ठीक है। तो a क्लोजर का कंप्लीमेंट हमारे पास एक ओपन सेट आ गया और ऊपर हमने कहा कि वो इंटरसेक्ट है एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, और फिर हमने कहा कि ए क्लोजर इंटरसेक्ट विद ए क्लोजर का कंप्लीमेंट और वो आ जाएगा खाली सेट, ठीक है। तो वो हमने देखा, तो चूंकि अब जो हमारा ए क्लोजर होता है वो सुपर सेट होता है ए का, फिर हमने कहा कि ए जब वो उसका इंटरसेक्ट भी दिस ओपन सेट के साथ सेट आएगा, तो हमने कहा कि दिस इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज जो है हम क्या गया कि हमने कहा था कि ये जो है ना दैट इज नॉट सॉरी हमने कहा कि ए इज नॉट डेंस मैक्स, अगर हम उसमें कहते हैं कि वो नॉट डेंस है तो फिर वो वापस में डिसजॉइंट भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने जो है ना वो प्रूव कर सकते हैं। तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी होगी हो बोलने में या लिखने में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।